हरीश 2019 और अभी 2019 के स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारे ब्रांड के तरफ से नया नया स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। अभी 27th ऑफ फरवरी को सैमसंग लॉन्च करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M30 और 28th ऑफ फरवरी को लॉन्च करने वाला है Redmi Note 7। अभी Realme की तरफ से भी बहुत अच्छा न्यूज आ रहा है। Realme लॉन्च करने वाला है Realme 1 और Realme 2 का एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट Realme 3। Realme 3 आपको मार्च के बिगिनिंग में ही देखने को मिल जाएगा और बहुत कुछ निकल के आ गया है सामने Realme 3 के बारे में। Realme 3 असल में देखने में कैसा होगा, इसका जो पीछे में आपको कैसा लुक्स देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे क्या प्रोसेसर आपको मिलेगा, क्या कुछ स्पेक्स मिलेगा, कैमरा कैसा होगा इस फोन का, देखते रहिए वीडियो। ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, यानी Realme 3 का फास्ट लुक्स और इसका कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। दैट बीइंग सेड, चलुन करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। अभी हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 के लिए, Redmi Note 7 के लिए, पर उसी समय Realme के लिए भी हम सभी वेट कर रहे हैं। क्या Realme 3 इस दोनों फोन को कंपीट कर पाएगा, चलिए देख लेते हैं। अभी देखिए निकल के आ गया है, यानी CEO ऑफ Realme मिस्टर माधव सेठ ने इसका कुछ खुलासा कर दिया है। अभी Realme 3 देखने में कैसा होगा, इससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं, Realme 1 और Realme 2 इन दोनों फोन का कंबाइंड प्रोडक्ट है ये, यानी देखने में शायद आपको कुछ हद तक Realme 1 और Realme 2 के तरह ही Realme 3 को देखने को मिलेगा। चलिए अभी Realme 3 का जो फर्स्ट लुक वो ऑफिशियली निकल के आ गया है। ये देखिए पीछे में आपको वही डायमंड कट डिजाइन मिलेगा जो आपको Realme 1 में मिला था, जो आपको Realme 2 में मिला था, और आप जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, ये अभी यूथ का ट्रेंड्स हो चुका है। अभी डायमंड कट मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है? तो Realme 3 में आपको वही डायमंड कट डिजाइन पीछे में मिल जाएगा। अभी मैं अगर यहां पे बात करूं इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो आप निश्चित रहिए इस बार भी आपको Realme 3 में पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाएगा, यानी जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है ये एक पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है, यानी आपको इस बार भी ग्लास नहीं देखने को मिलेगा। तो ग्लास जैसा फिनिश तो होगा पर वही फील आपको ग्लास जैसा नहीं मिलेगा। चलिए अभी यहाँ पे मैं बात करता हूं सामने से ये कैसा देखने को मिलेगा, ये सामने में ये Realme 3 कैसे देखने को लगेगा ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, पर मैं आपको कहता हूं वही Realme का जो हर एक फोन आता है ना वाटर ड्रॉप नॉच, जैसे आपको Realme U1 में भी मिला था वही आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा। साथ में आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलेगा, और साथ में यहाँ पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ये भी बहुत ही कम मिलेगा। हाँ ग्लास प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा होगा इसका डिस्प्ले। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करूंगा इसका प्रोसेसर, ये निकल के आ गया है। ये द सीईओ ऑफ Realme मिस्टर माधव सेठ ने ये खुलासा कर दिया है कि आपको Realme 3 में MediaTek Helio P70 का प्रोसेसर मिलेगा। हम बहुत बेसब्री से भाई ये मान रहे थे Realme 3 में हटके कुछ मिलेगा, यानी हो सकता था Realme 3 में आपको MediaTek Helio P90 देखने को मिलेगा, हो सकता है Realme 3 Pro में आपको Helio P90 देखने को मिल जाएगा, पर Helio P70 खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। आप मानो या ना मानो, आप ये भी जानते हो MediaTek Helio P70 बहुत आसानी से कंपीट कर सकता है भाई Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर को। अभी इस प्राइस रेंज में जो भी फोन आपको देखने को मिलता है मार्केट में वो Qualcomm Snapdragon 636 और 660 के साथ आता है, तो इस फोन में आपको MediaTek Helio P70 मिलता है। यहाँ पे जो GPU मिलेगा वो Mali G72 MP3 मिलेगा, तो काफी अच्छा होगा इसका गेमिंग एक्सपीरियंस। DJ हरीश, तो आपको पबजी खेलने में कोई भी समस्या नहीं होगा Helio P70 के साथ, या आप Asphalt 9 भी खेलोगे ना तो कोई भी असुविधा आपको नहीं होगा। चलिए आप बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की, बहुत सारा रूमर्स आ रहा था भाई 48 मेगापिक्सल कैमरा आपको पीछे में देखने को मिल जाएगा Realme 3 में, पर ये असंभव है। हाँ भाई बहुत ही हार्ड है, क्योंकि आपको Realme 3 में मिल रहा है Helio P70 का प्रोसेसर, और आप जानते हो Helio P70
मैक्स टू मैक्स जो कैमरा सपोर्ट करता है वो प्राइमरी कैमरा 24 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। तो इसलिए ये बात आप भाई दिल से निकाल दो, आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा Realme 3 में, नहीं मिलेगा आपको यहां पे, हो सकता है 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। साथ में यहां पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा क्योंकि ये प्रोसेसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फीचर्स है वो भी आपको मिल जाएगा और सामने में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा यानी सेल्फी कैमरा मिल सकता है और इन डिस्प्ले फ्लैश भी मिलेगा। पीछे में फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलेगा ही, साथ में सामने में आपको AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से आधारित आपको फेस अनलॉक भी मिल जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे सेंसर्स की बात करूं तो सभी सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और एक बात कहूं यहाँ पे जो बैटरी भाई इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है पर ये मान के चलो आपको 4230mAh का बैटरी मिलेगा। अब ये एंड्रॉइड 9 यानी पाई के साथ आएगा, साथ में ये भी माधव सेठ ने कहा था 2019 पे जो जो फोन लॉन्च होगा उसमें आपको कलर ओएस 6 और एंड्रॉइड पाई देखने को मिलेगा। तो इस फोन में भी आपको कलर ओएस 6 और इसका नया फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। अभी बात यहां पे आके रुकता है कि इस फोन में आपको यूएसबी टाइप सी मिलेगा, भाई मान के चलो शायद नहीं मिलेगा पर होना चाहिए यूएसबी टाइप सी, साथ में फास्ट चार्जिंग का भाई फीचर्स। अब इसका प्राइस क्या रहने वाला है देखिए मैं एक बात कहूं, इससे पहले और एक बात कहता हूं आपको, यहां पे आपको डुअल 4G वोल्टी का फीचर्स भी मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, साथ में यहां पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिलेगा। अब प्राइस मान के चलो ना भाई आपको अंडर 10,000 में ये फोन देखने को मिल जाएगा। अभी इस प्राइस में अगर Realme 3 लॉन्च होता है भारत में क्या गजब का होगा भाई ये फोन। आज के लिए इतना ही, और हाँ अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा, इससे आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहेगा और एक नया वीडियोस के साथ आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, धन्यवाद।